दूसरा बार यू बोला अच्छा अच्छा बच्चे थे जो मामा बाबा को ड्रिंक कराते थे, तो इस दो तरीका से सुना है। तो 1940 तक कौन मामा बाबा हुआ, 47 तक कौन मामा बाबा हुआ। ये दो माताएं थे जो को चलाने के लिए 42 के बाद। बाप की दृष्टि में बच्चियां भी क्या है, बच्चे हैं, और ब्रह्मा की दृष्टि में बच्चे और बच्चियां हैं, ये कोई अंतर नहीं है। बाबा तो बोलते थे बुढ़ी बच्चियां, बुढ़ी है लेकिन बोलते क्या थे, बच्चियां। भाव को पकड़ना है, शब्दों को नहीं। मम्मा बाबा जो बोला है वो ब्रह्मा सरस्वती के लिए बोला है। तुम बच्चे जिन्हें अभी मम्मा बाबा कहते हो उनको भी दिल सिखाते थे। यज्ञ के आदि में कौन मम्मा बाबा थे ये फैसला ही नहीं हुआ, किसी ने पहचाना नहीं। अभी तक भी जो बच्चा बुद्धि है उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, तो उस समय बैठने की तो बात ही नहीं। हाँ जी बाबा, लेकिन सरस्वती तो 46 में है ना, 46 पद में मैं कैसे मालूम 46 में आए कि 47 में आए या उससे पहले आए, ये अनुमान क्यों लगाना, अनुमान से नुकसान होता है। हाँ इतना बताया कि सरस्वती बीच में आती है, बीच में लोप हो जाती है, माने 36-37 में नहीं आई, उसके बाद कभी भी आ गई। और आदि में सेवाग्राम के अंदर जब अपने सुप्रीम कोर्ट ने काट बजाया उनका सुई छोड़ने के बाद, उनका आदि में सेवाग्राम के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो पाठ बजाया उनका सुई छोड़ने के बाद वही सुप्रीम कोर्ट गीता माता में पाठ बजाया, उनका सुई छोड़ने के बाद वही सुप्रीम कोर्ट किसके अंदर पाठ बजाया, राधा बच्ची के अंदर। और ये तो आपने एक अनुमान लगा लिया ना फिर से कि जो गीता माता थी उसने बीच में शरीर छोड़ दिया प्रजा पिता के शरीर छोड़ने के बाद। क्या पता वो भी 46 तक जिंदा रही हो। इसका क्या प्रूफ कि वो 46 तक जिंदा नहीं रही। मुरली में तो बोला है जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, ये तुम्हारा किससे बोला है, तुम्हारा किससे बोला, दो के लिए बोला, तो कौन कौन से थे दो। एक लक्ष्मी और दूसरी जगदम्बा, माना पाकिस्तान बनने से पहले ही उन्होंने जन्म ले लिया। और बाबा मुरली में एक भी आया जो दो माताएं थी तो बाप दिखाते थे दो बाजे जगकर दोनों बाप को, तो दो माताएं यहाँ पर राधा बच्ची और गीता माता तो होता है, तो यहाँ पर दिखाने वाला शिव सुप्रीम सोल तुम्हारी बुद्धि में बाप है या माताएं बाप है। बाप लिखाते किसको थे, जिसमें प्रवेशता हुई उसको लिखाते थे या इस समय जिस समय जिसकी प्रवेशता उस समय नहीं हुई थी उसको लिखाते थे। जब प्रवेशता हो गई उस समय तो लिखाने की बात ही नहीं, ब्रह्मा में जब प्रवेशता हो गई उस समय लिखाने की बात है नहीं, उस समय लिखाते नहीं थे, उनके मुख में बोलते नहीं थे ब्रह्मा के मुख से।
वो बोलना तब से शुरू किया जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होने के बाद 300-400 का हुजूम इकट्ठा हो गया तो बाबा को भी नशा चढ़ा, उधर शिव बाप ने भी प्रवेश किया और वाणी चलने लगी। उससे पहले ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा मुरली नहीं चलाते थे, बाप जो है वो लिखाते थे। कौन बाप? शिव बाप लिखाते थे। किसके द्वारा? तो लिखाते होंगे, कोई तो डिक्टेट करता होगा। तो प्रजापिता तो चला गया, तो कौन डिक्टेट करता होगा? है? लिखता कौन था? ब्रह्मा बाबा लिखते थे और शिव बाप किसी के द्वारा लिखाते थे। तो जिसके द्वारा लिखाएंगे वो रुद्रमाला का मणका होगा या विजयमाला का मणका होगा, वो कौन हो सकता है? जगदम्बा। और बाबा है सारे चल लगा आत्मा जो इस शरीर के साथ प्रकृति में जाएगा तो विनाश के समय पर के सारे सारे के सारे बर्फ के बीच में पसारने पड़ेगा क्या? एक साथ नहीं, वो भी नंबर वार होंगे, नंबर वार निकलेंगे। अच्छा तो भी बर्फ में बता दिया, बर्फ में वो आत्माएं जाती हैं जिनके कर्म बंधन खलास नहीं होते, जो अपने संकल्पों को जाम नहीं कर सकते। संकल्पों को जाम नहीं कर पाएंगे तो उनको बर्फ में जाम होना पड़ेगा। और ब्रह्मा को हमेशा बड़ा दिखाते हैं, ब्रह्मा को हमेशा बड़ा दिखाते हैं, बड़ा बड़ा हाँ, और तीनों को छोटा तीन, क्योंकि ब्रह्मा संगम युग होता है और कृष्ण तो सत्युग में बच्चे के रूप में पैदा होगा। तो संगम युग में बुढ़ा था या बच्चा था? बूढ़ा था, इसलिए बूढ़े रूप में दिखाते हैं। सत्युग में बच्चे के रूप में पैदा होगा। और आज में जो ट्राइब्यूनल बैठी ट्राइब्यूनल में वो तो विचार होगा ना, जो जो पाप कर्म करने को करते हैं तो जगह में ट्राइब्यूनल की प्रैक्टिकल होगा। मैंने झूठ बोल दिया, प्रैक्टिकल मैंने झूठ बोल दिया होगा। अरे जैसे दुनिया में ट्रिब्यूनल बैठती है तो यहाँ भी ट्रिब्यूनल बैठेगी। ट्रिब्यूनल को ऊंचा पार्ट है या नीचा पार्ट है? है जो जज बन के बैठेंगे तो ऊंचे हुए ना, तीनों ही ग्रुप के जज बन करके बैठेंगे। सुखदाम सुखदाम और शांति दाम, तीनों के अधिष्ठाता बैठे हुए होंगे। और वो पतला प्लेस पता कहाँ पर होगा? हैं? वो पतला प्लेस कहाँ पर होगा? जगह कोई जगह होगा? ऊंचे से ऊंचे दाम कौन सा है? हैं? तो कहाँ होगा? और विष्णु का चरण करो। अरे तुम कैसे बैठे, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? है अपनी मस्ती मस्त रहते, पिछली सीढ़ियां सुनी नहीं सुनी तो क्यों पूछते हो? जब तुम्हें ठीक से पढ़ाई पढ़नी नहीं है तो पूछ पूछ के आगे क्यों बढ़ते हो? आदि में जैसे संस्कृत गीता पाठ किया गया, आज में भी ऐसे होगा? संस्कृत गीता पाठ जो है वो कृष्ण की आत्मा करेगी या बाप करेगा? है? है?
जो कृष्ण की आत्मा है वो भी नीचे से नीचे डाउन में जाती है या नहीं जाती है। तो अभी जो कागज की मुरली है और जो दुनियावी शास्त्र मनुष्यों का लिखा हुआ है, दोनों में ऊंचा कौन है? कौन सा शास्त्र ऊंचा है? हैं? जो मुरली के पत्ते हैं वो फिर भी ऊंचे हैं और जो मनुष्यों के द्वारा लिखा हुआ शास्त्र है वो नीचे है। और कृष्ण की सोल को नीचे से नीचे जाना है या नहीं जाना है? जाना है। तो जो दुनियावी मनुष्य गुरु है उनका भी शास्त्र बैठ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, पड़ेगा? सारी अलौकिकता भूल जाएगी। लेकिन जिस गीता के मनुष्यों की लिखी गीता के मनुष्यों ने 108 से भी ज्यादा अर्थ कर दिए तो उस गीता के क्या ईश्वर के मत के अनुसार अर्थ नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। आदि लेकिन बाबा वो तो आदि में तो पूजा पिता भी वो तो संस्कृत गीता तो पढ़ के पढ़ा करते थे ना सुना है प्रजापिता भी पढ़ते सुनाते थे जब भक्ति तो अंत में नहीं भक्ति का भाव नहीं था अंत में प्रजापिता नहीं होता है है होता है लेकिन अंतर क्या होता है प्रजापिता जो है वो ब्रह्मा की लिस्ट में नहीं है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। प्रजापिता का दिन अथवा प्रजापिता की रात नहीं गाई जाती है। मुरलीम बोला है प्रजापिता है नेक्स्ट टू गॉड, ब्रह्मा है नेक्स्ट टू गॉड, ऐसा कहीं का नहीं। और ये भी कहा दूसरे को भी बोलने दो, दूसरे को भी बोलने दो अलग को मिला अल्लाह हो दे को मिला भाषा ही इसके बारे में इसके बारे में तुमने कभी सुना ही नहीं कैस्टों में। इतनी कैस्टे चलाई गई इतनी मुरलियां उनके अर्थ आए सामने कभी सुना ही नहीं है? क्लियर नहीं हुआ। अब क्लियर हो जाएगा इसका क्या प्रूफ है? है नीचे जो ब्रह्मा बाप खड़ा हुआ होता है और राम बाप हुआ हुआ है लेट हुआ है उसका बारे में लेट खड़ा हुआ लेटा हुआ पड़ा है वो कलयुग के अंतिम जन्मों में लेटा हुआ पड़ा है या संगम युग में लेटा हुआ पड़ा है? अरे भगवान वो कहाँ लेटा हुआ पड़ा है? कहाँ लेटा हुआ? कलयुग के अंतिम जन्म में लेटा हुआ पड़ा है या संगम युग में लेटा पड़ा हुआ दिखाया गया है? कलयुग के अंतिम जन्म जो है उसमें लेटा हुआ पड़ा है, संगम युग में तो लेटा हुआ नहीं पड़ा है। और ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा जो खड़ा है वो कहाँ खड़ा है? है? नहीं, संगम की भी शुरुआत हो रही है और कलयुग भी है। सन 67 तक जब तक ब्रह्मा बाबा ने शरीर नहीं छोड़ा तो कौन खड़ा हुआ था कौन पड़ा हुआ था? है? जिसके तन में शिव प्रवेश करेगा और जो प्रजापिता का टाइटल लेके बैठेगा उसको खड़ा हुआ कहेंगे या पड़ा हुआ? वो प्रजापिता का टाइटल लेने के कारण खड़ा हुआ। हाँ
बड़ा बड़ा बाल से क्या करता है बड़ा बड़ा बाल फेस पे ऊपर लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े बाल दिखाए जाते हैं। तो मना ज्ञान की जटाएं नहीं होनी चाहिए है? आज के मनुष्यों को तो मुंडा होता है, उनकी जटाएं तो सब खलास और उनको तो ज्ञानी दिखाएंगे या ज्ञानी दिखाएंगे। हाँ, उनको तो कहा जाता है नारायण, नार माना जल, आयन माना घर है, नारायण माना ज्ञान जल में ही जिनका घर है, ज्ञान जल। तो जटाएं बड़ी बड़ी होनी चाहिए, छोटी छोटी होनी चाहिए, कैसे दिखाएं कि वो ज्ञानी है? कोई तो तरीका होगा। तो चित्रकार ने बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। और जो जाति धनवान है वे तीन चार बरस मुश्किल से चलेगा, इसका मतलब क्या? तीन चार बरस मुश्किल से चलेगा। तीन चार बरस मुश्किल से चलेगा। चार बरस मुश्किल से चलेंगे। ये कौन से सन की वाणी है? है? अरे ऐसे ही बता दो, नहीं मालूम तो हम बताएं। मालूम नहीं तो मालूम कर लो कि ये सन 76 से 3-4 साल पहले की वाणी है। इसलिए बोला कि जो 72-73 में अपने को बहुत ज्ञान का धनवान समझते थे ब्राह्मणों की दुनिया में, वो 3-4 वर्ष मुश्किल से चलेंगे और 76 के बाद उनका ज्ञान ध्यान सारा चट हो जाता है, टेंशन में बुद्धि आ जाती है। इसलिए बोला जो बड़े बड़े धनवान हैं वो 3-4 वर्ष मुश्किल से चलेंगे। और 72 का वाणी है, 9572 के बाद 76 तक पहुंचने में कितने साल रह गए? 4 साल रह गए ना। हाँ जी बाबा, एक बात है, अभी समय अनुसार अनेक प्रकार की लोग चेकिंग करने के लिए आएंगे, इसका मतलब क्या कौन है? कौन चेकिंग करने के लिए आएगा? हाँ तो क्या हुआ, इस समय अनुसार अनेक प्रकार लोग चेकिंग करने के लिए आएंगे। तो कौन लोग वो आएंगे जो चेकिंग करने? दुनिया वाले भी चेकिंग करने के लिए आएंगे, ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी चेकिंग करने के लिए आएंगे। किसी के माथे पे थोड़े लिखा है ये बी के हैं, वो भी चेकिंग करने के लिए आ सकते हैं। और महीना आप दोस्त बोलो, राम के स्वामी के रूप में पालने के लिए तपस्या किया है, राम संतुष्ट हो गए, बोर दिया है, हम जब पुलिस के पुलिस होगा तो राहुल करेगी, तो आपको इसी रूप में बोर्ड करेगी, अब तो हिमालय के तपस्या बोलो, वैष्णव देवी को बोला है। क्या बोला? अरे नजदीक वालों ने सुना किसी ने? बोलो है? शास्त्र में महिला का कौन नाम वैष्णव देवी राम के पाने के लिए तपस्या किया है और राम जो तपस्या संतुष्ट होकर वोट दिया, हम जब पुलिस के पंचायत का धारण करेगी तब आप इसी रूप में वर्णन करेंगे, इस रूप में वर्णन करेंगे। अरे दो जन्म है, जन्म तो दो है ना, पार्वती और सती के कितने जन्म दिखाए गए हैं? सती का जन्म पहले और बाद में पार्वती का जन्म, तो दूसरे जन्म के लिए इशारा दे दिया। और
दुर्गा पूजा हर वर्ष में दो बार होता है। हाँ जी, एक मार्च अप्रैल में, एक सितंबर अक्टूबर में की हम चार दिन होता है। हम चार दिन होता है पूजा। हाँ जी, कोई भी देवी देवी एक दिन में होता है, दुर्गा पूजा चार दिन में होता है। हाँ जी, क्यों? पूजा में ही बुद्धि लगी रहती है सारी, मुरलियों के तवानी में बुद्धि नहीं जाती है। दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा की पूजा चार दिन होती है। और क्या बोला आगे? और वर्ष में दो बार होती है, माने देवियों की पूजा नवरात्रि दो बार होते हैं। नहीं बाबा, बोला रहा है कि साल में दो बार होता है। हाँ, दो बार ही होते हैं, एक रामनवमी का। हाँ, रामनवमी के उपलक्ष्य में और दूसरा दशहरा। बाकी देवता का एक दिन होता है, एक बार होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो देवियों की जो पूजा दो बार होती है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए ना कि बेसिक और एडवांस दो होते हैं। तो दो अलग अलग है ग्रुप, तो उन दोनों का फंक्शन अलग अलग होगा, एक ही होगा, अलग अलग होगा, लेकिन दोनों में फाइनल कौन सा होता है? एडवांस वाला फाइनल होता है।76 में धनुष बाण नहीं दे दिया, 1942 में ही धनुष बाण दे दिया, पुरुषार्थ रूपी धनुष दे दिया, ऐसा शरीर दे दिया पुरुषार्थी, ये धनुष है, इसको लचीला बनाओ, होल्डिंग पावर इसमें बनी रहे, कमान होती है ना, तो जो खींचेंगे तो दोनों हिस्से मुड़ते हैं, माने मोल्डिंग पावर, मोल्डिंग पावर वाला शरीर रूपी धनुष और ज्ञान के बाण दे दिए। ये बाप का वर्षा है क्या? कमाई करते रहो और खाते रहो, तुम्हारा हिस्सा तुमको दे दिया, तुम छोड़ के जा रहे हैं ना यज्ञ को, तो तुम्हारा हिस्सा तुमको दे दिया, बाण मारते रहो और युद्ध जीतते रहो, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो युद्ध करने वाले के लिए बोला ना। कलकत्ता में आजकल पूजा होने वाली है क्या? जोर शोर से सारी पूरी उधर ही लगी हुई है क्या? है? अच्छा अच्छा, हाँ पता लगना चाहिए ना किसकी बुद्धि कहाँ कहाँ लगती है क्या? हाँ बोला बाबा ने, देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय, जरा बच के रहना। हाँ बोलो। कलकत्ता में एक तो पूजा होता है दुर्गा पूजा, और एक पूजा होता है जगतधात्री पूजा, जगत जगत को धारण करने वाली। हाँ, जो जगतधात्री पूजा होता है तो धनंजय भाई पूछ रहा है वो पूजा किसका पूजा होता है? जैसे बेसिक नॉलेज में देवियों की पूजा होती है या नहीं होती है? होती है, करने वाले करते हैं, इतना मान देते हैं कि अखबारों में छपा देते हैं, वर्ल्ड मदर, वर्ल्ड मदर का टाइटल दिलवाए देते हैं, तो ये पूजा वाली बात है ना? है। तो बेसिक में जो मान मर्तबा बढ़ता है देवियों का, उसके मुकाबले
एडवांस में कई गुना मान मर्तबा बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि बेसिक में तो सिर्फ ब्रह्मा की कुमारियां ही ब्रह्मा को बाप मानेंगी, और एडवांस का जब अंतिम चरण होगा तो सारी दुनिया, सारा जगत मानेगा। किसको मानेगा? पहले माता को मानेगा या पहले पिता को मानेगा? पहले माता को मानेगा। इसलिए सारे जगत के जिम्मेवारी को धारण करने वाली कौन सी माता हुई? जगदम्बा। इसलिए उसका नाम हुआ जगत धात्री, धारण करने वाली। सारे जगत की पालना की जिम्मेवारी को धारण करने वाली। शंकर के हाथ में जो पशुपात अस्त्र दिखाता है, पशुपात अस्त्र दिखाता है शंकर के हाथ में, पशुपात अस्त्र, पशुपात अस्त्र, तो उसका देहात में क्या? वो अस्त्र तो हमारा ज्ञान की अस्त्र है, तो ज्ञान की अस्त्र है तो कौन सी कोई मुरली का पॉइंट तो होगा? पशु माने क्या? जानवर। और जानवरों का पति क्या? हाँ, पशु तो है, लेकिन जो पशु को कंट्रोल करने वाला है माना पति है, वो कौन हुआ? क्या आधार है, क्या बात है खास जो शंकर को पशुओं का भी पति कहा गया? पशुओं में क्या खास बात होती है जो मनुष्यों में नहीं होती? मन बुद्धि नहीं होता। हाँ, पशुओं में मन बुद्धि चलाने की तीक्ष्ण शक्ति नहीं होती है। उनकी बुद्धि में आवेग आवेगा काम का तो काम कर बैठेंगे, क्रोध का आवेग आवेगा क्रोध कर बैठेंगे, लोभ का आवेग आवेगा लोभ कर बैठेंगे। वो सोचते नहीं है। ऐसे जो जानवर हैं उनको भी कंट्रोल करने वाला वो अस्त्र है, इसे कहते हैं पशुपत अस्त्र, पशुपति नाथ का अस्त्र, शस्त्र। जो पतित होते हैं, जो पतित होते हैं उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी माने क्या? भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाला, शेष इंद्रियों को महत्व नहीं देता। किसको महत्व देता है? भ्रष्ट इंद्रियों को। कौन कौन से धर्म है जिन धर्मों के फॉलोअर्स को ये बुद्धि में बात नहीं आएगी कि जो नई दुनिया होगी सत्युग त्रेता, उसमें शेष इंद्रियों से भी संतान पैदा होती है? वो कौन कौन से धर्म है? इस्लाम धर्म से लेकर के सारे ही, तो सारे ही पशु हो गए, जानवर बुद्धि हो गए। उन जानवर बुद्धियों को कंट्रोल करने के लिए जानवर ही चाहिए या देवता उनको कंट्रोल करेगा? है, जिससे विष मारा जाता है, लोहे से
लोहा काटा जाता है, इसलिए उन पशुओं को कंट्रोल करने के लिए वो पाशुपत अस्त्र है जो उन जानवरों को भी कंट्रोल कर देता है, उनकी बुद्धि चकराई जाती है। बाप रे ये कौन आया हुआ जो आपने बोला है ना मुरली में जो मैं आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का भरोसा देता हूँ, मुरली में मैंने नहीं बोला, जो बाबा ने शिव बाबा ने बोला। हाँ, हाँ। तो सारे कारला वो जो सौशरी में स्वर्ग में जाते हैं उसको तो जीवन मुक्ति मिल गई 4.5 लाख। हाँ। वो तो डायरेक्ट सौशरी में स्वर्ग में जाएंगे। हाँ जी। उसको तो जीवन मुक्ति मिल गयी। हाँ जी। और बाकी जो सत्यदेता में जो आएंगे हाँ। उनमें तो उसमें तो वहाँ कोई दुख ही नहीं होगा, इसलिए उसको भी मुक्ति मिल गई, तो उसको भी जीवन मुक्ति कहेंगे। जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति बनी रहेगा। तो वो जीवन मुक्ति कोई को एक जन्म की मिलती है और कोई को 21 जन्म की मिलती है, कोई को 2 जन्म की मिलती है, कोई को 20 जन्म की मिलती है। तो एक जैसी जीवन मुक्ति है या नंबरवार है? नंबरवार है। तुम क्या पूछ रहे हो? बाकी जो और आत्मा है हाँ। जो दापर युग से आते हैं उनको तो एक जन्म की जीवन मुक्ति लेते हैं? नहीं, वो तो लेते हैं, वो जब दापर युग से आते हैं तो डायरेक्ट मातृ गर्भ से जन्म नहीं लेंगे। हाँ? किसी आधार में प्रवेश करेंगे। हाँ जी। तो जो जिसमें प्रवेश करेंगे उसको 33 करोड़ आत्मा है क्या? 33 करोड़ जो देवी देवता है हाँ? उसमें प्रवेश करेंगे। हाँ जी। तो जब वो प्रवेश करेंगे परम धाम से आकर हाँ? जिसके अंदर प्रवेश करेंगे हाँ? तो वो अपना पार्ट बजाएंगे, जो आधार में प्रवेश किया उसका आत्मा गुम हो जाएंगे। ऊपर से आने वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल है या शरीरधारी की आत्मा ज्यादा पावरफुल है? ऊपर से आने वाला तो पावरफुल। तो कौन किसको कंट्रोल करेगा? ऊपर से आने वाली आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है, जैसे क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया, वो सुख भोगेगी उस शरीर के द्वारा, दुख नहीं भोगेगी। जब क्रॉस पर चढ़ाया जाएगा तो वो आत्मा निकल जाएगी। उसको अनुभव होगा कि हमको चूली चढ़ेगी, में से जो सुख देने वाले तीन हो गए जिन्हें वो आरा कहते हैं, पहले जिनमें तीर्थंकरों का जन्म बताते हैं वो समाप्त हो गए, और जब से महावीर आए अंतिम आदि तीर्थ अंतिम तीर्थंकर, तब से दुख की दुनिया शुरू हो जाती है। तो वो तीन आरों को मानते हैं अभी, वो तीन आरे पहले 2500 साल पहले खत्म हो गए ऐसे मानते हैं। माना 2500 साल पहले महावीर आए थे ऐसा मानते हैं, उस समय सुख की दुनिया थी तीन आरों की, जिन्हें हम लोग कहते हैं सत्युग त्रेता। 2500 बाद सुख, और उसके बाद दो युग हम कहते हैं दुख के, द्वापर कलयुग। उन दो युगों को वो कहते हैं तीन आरे। तीन आरों में दुख की दुनिया है ऐसा मानते हैं। हाँ जी, जैनी लोग बच्चा जब नीचे स्टेज में चला जाता है तो बोलता है क्राइस्ट के अंदर में प्रवेश करके भीख मांगते हैं, ऐसा उन्होंने सुना? नहीं नहीं, ऐसा तत्व प्रधान स्टेज में सात्विक आत्मा भी क्यों मांगेगी? जब वो आत्मा तामसी बन जाती है, क्राइस्ट की सोल कलयुग के अंत में,
तब भीख मांगती है। जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक पूर्णमासी का चंद्रमा माना 16 कला संपूर्ण ज्ञान चंद्रमा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, वो गुप्त नहीं हो सकता। जब पूर्णमासी होती है तो एक तरफ सूर्य उदय होता है और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त होता है। दूसरी तरफ माने पश्चिम साइड में पश्चिमी सभ्यता को अपनाने वाले जो भी धर्म है वहां चंद्रमा अस्त होता है और पूर्वी सभ्यता को अपनाने वालों के बीच में ज्ञान सूर्य उदय होता है। एक होता है मन बुद्धि में उदय होना और दूसरा होता है प्रत्यक्ष रूप में उदय होना। अभी कहाँ उदय हुआ है? अभी मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में उदय हुआ है लेकिन प्रैक्टिकल में अभी संसार में उदय नहीं कहा जा सकता। बाबा मुरली में बोला है जो भारतवासी है वो कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, तो भारतवासी कितने को कहेंगे? 9 लाख? 9 लाख को क्यों कहेंगे? 4.5 लाख जो 4.5 लाख सूर्यवंशी हैं, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं या जो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा की गोद में पलते रहे वो कन्वर्ट होते हैं। ब्रह्मा के गोद में पलते वो कन्वर्ट होते हैं। ठीक, तो बोला है ना जो हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, हिंदू माना जो अपन को समझते हैं हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं और ये जो सूर्यवंशी एडवांस पार्टी वाले हैं ये हिंसा को बढ़ाने वाले। तो भारतवासी में 4.5 लाख? हाँ जी। और हिंदू वो बाकी जो 4.5 लाख बाकी जो भी है ब्रह्मा की गोद में पलने वाले सब सब हिंदू, सब हिंसा को दूर करने वाले अपनों को समझते हैं। हिंदू, हिंग माने हिंसा, दू माने दूते, दूर करने वाले। आपने बोला है कि हॉस्टल में जाकर ऐसा तीखा दृष्टि देंगे जो तुम बच्चे सहन नहीं कर सकते, ऐसा मतलब क्या है? मतलब क्या है? नहीं, का मतलब वही है जो गीता में लिखा हुआ है। अर्जुन ने कहा बस 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 अब मैं सहन नहीं कर सकता। मंदिर है उसको में जो है वो भी बुरा है, इसमें जो है वो भी बुरा है, वर्णन में जो कुछ है वो भी काला है, इसका क्या होगा? बोलते भीलवाड़ा मंदिर जो है ऊपर में मैं गोरा है, ऊपर में गोरा नहीं है। जो जैन मंदिर होते हैं उनमें एक दिगंबर मंदिर होता है ऊंचाई पर, पास पास ही दोनों होते हैं, दिगंबर मंदिर होता है ऊंचाई पर उसमें काली मूर्तियां होती हैं और नीचे जो मंदिर होता है वो श्वेतांबर मंदिर कहा जाता है उसमें सफेद मूर्तियां होती हैं। तो सफेद मूर्तियां ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की यादगार और जो ऊपर काली मूर्तियां हैं वो एडवांस पार्टी की यादगार है कि बाहर से देखने में काली है लेकिन अंदर से साफ दिल है, इसलिए सच्चे दिल पर साहब राजी होता है, उन सच्चे दिल वालों को राजा बनाता है और कोई को राजा नहीं बनाता है। रुद्रमाला में? हाँ जी। उनका जो आत्मा है
आत्मा है उसका कितना कितना जन्म हुआ, जैसा इब्राहिम का सोच जिसमें प्रवेश किया और गौतम बुद्ध का सोच जितना प्रवेश किया, क्राइस्ट का सोच जिसमें प्रवेश किया, उसका कितना कितना जन्म हुआ। किसका आधार मत करना जो प्रवेश किया, सुख को जीत का जो प्रवेश किया, जिसमें प्रवेश किया, जिसमें प्रवेश किया बोलते हैं जो सुख को जो ऊपर चाहते हैं, जैसा हमने क्राइस्ट प्रवेश किया जिसु में और बुद्ध प्रवेश किया सिद्धार्थ में, तो बोलता है जो आधार मत जिसमें प्रवेश किया उसको कितना जन्म होता है, ज्यादा जन्म होंगे, तो देवता धर्म की आत्मा है उनके जन्म तो कम होंगे कि दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, उससे 84 जन्म कैसे लेंगे। जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं उत्तरोत्तर बाद वाले धर्म में आते हैं वो कम जन्म लेने वाले होते हैं या पूरे 84 जन्म लेने वाले होते हैं। ऐसे ही जिनमें प्रवेश होता है वो आधार मूर्त भी नंबरवार कम जन्म लेने वाले होते हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं होते हैं। माना 4.5 लाख के बाद 4.5 लाख और ऐड होंगे बच्चे के रूप में, तो 9,16,108 आबादी हो जाएगी। लेकिन जो आखिरी विनाश होगा 5-7 रोज के अंदर, उसमें जो दूसरे दूसरे धर्म के दास दासी बनने वाले शुरुआत में घुसे हुए हैं, जो आज के जन्मों में दास दासी बनते रहेंगे, उनको उस विनाश में 5-7 रोज के विनाश में वापस जाना पड़े। समझ गया। जो भी शूटिंग होती है ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में एडवांस पार्टी में, वो मन बुद्धि के द्वारा हो रही है, संकल्पों से हो रही है या कर्मेंद्रियों से हो रही है। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो ब्रह्मा संकल्पों से सृष्टि रच सकता है तो क्या ब्राह्मण संकल्पों से अपनी सृष्टि नहीं रच सकते हैं? रच सकते हैं। तो संबंध निभाने की जहाँ तक बात है, अव्यक्त वाणी में बोला है कि संगम युग में जो जिस संबंध की प्राप्ति करने में, बाप से प्राप्ति करने में अधूरे रह जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे, कमी रह जाएगी, वो अगले 63 जन्मों में उस संबंध में जन्म जन्मांतर तड़पते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हरेक की बुद्धि रूपी मुट्ठी में हरेक की तकदीर है, चाहे तो जन्म जन्मांतर का संबंध एक बाप के साथ रखे और चाहे तो अनेक आत्माओं के साथ रखे, कोई भी संबंध। बांधेली माताएं कहेंगी हम कैसे संबंध रखें, हम तो बंधे हुए हैं अपने पति के साथ। अरे तो कण से बंधे हुए हैं, वाचा से बंधे हुए हैं, मन से तो बंधे हुए नहीं हैं। तो मन के संकल्पों से तो बाप को अपना बना सकते हैं, तो शूटिंग हो जाती है। जो गीता पाठशाला को एक मुनि ने बोला है गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, और एक मुनि ने बोला है गीता पाठशाला जो है दोनों उसका महिमा होगा। हाँ
जो युगल हैं उनकी बहुत महिमा होगी। कब? कब? तब ही महिमा होगी जब वो गीता पाठशालाएं बनाएंगे। छोड़ना पड़ेगा तो बोलो ना एक बार। हाँ छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ने के बाद महिमा होगी क्या? फिर जब उनकी मन की शक्ति पावरफुल हो जाएगी तो वो मन का सेवा करते रहेंगे। 78 के पहले? 78 के पहले 2000? अरे यहाँ की ही बात है, सेवा यहाँ हो रही है या वहाँ होगी? सेवा यहाँ हो रही है ना इस दुनिया में। तो जो भी युगल जोड़ी होंगे, चाहे यहाँ सेवा कर रहे हैं चाहे वहाँ सेवा कर रहे हैं, अगर उनकी जोड़ी बनी हुई है पक्की है तो जहाँ भी सेवा करेंगे उनकी महिमा निकलेगी। और सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेज सेवा करने की मनसा से होती है, वाचा से होती है या कर्मेंद्रियों से होती है। तो मनसा जिनका मजबूत हो जाएगा, जैसे लक्ष्मी नारायण को युगल कहेंगे या सिंगल कहेंगे? क्यों युगल? वो एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं, आंखों से देखना भी नहीं हो रहा है, है? हाँ भले आंखों से देख नहीं रहे हैं लेकिन मन बुद्धि एक दूसरे में अटैच्ड है। तो ऐसी जो प्रवृत्ति मार्ग की सेवा होगी समान संकल्पों से, वो संसार में प्रत्यक्ष होगी। लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होंगे तो नंबर बार और जोड़े प्रत्यक्ष नहीं होंगे क्या? होंगे, लेकिन मनसा सेवा के आधार पर होंगे या वाचा और कर्मेंद्रियों के भागदौड़ की सेवा के आधार पर होंगे? हाँ जी अरे जो प्रैक्टिस करेगा तो पाएगा, ये तो प्रैक्टिस करने की बात है। साइलेंस पावर माना एकाग्रता की पावर, जो मन बुद्धि को एकाग्र करने की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके अंदर साइलेंस पावर आवेगी। परिस्थिति ज्यादा पावरफुल है या स्वस्थिति ज्यादा पावरफुल है? होता ही है तो परिस्थिति की बात क्यों करते है? तो स्वस्थिति कच्ची होती है इसलिए परिस्थिति के प्रभाव में आ जाते हैं। पर के प्रभाव में क्यों आना चाहिए? रिश्तेदार जो आते हैं तो रिश्तेदार लोग मैंने प्रॉब्लम करते हैं तो बोलता है उन्होंने बोल रही है तो रिश्तेदार को क्या भगा देगा? अरे भगाने के बाद ही, भगाने के बाद वो दूर रह करके आपको प्रभावित नहीं कर सकते क्या? दूर रह करके भी प्रभावित कर सकते हैं। हाँ तो भगाने की बात नहीं है, अपने मन को कंट्रोल करने की बात है। मन कंट्रोल होगा तो आंखें कंट्रोल होगी, देखते हुए नहीं देखना। मन कंट्रोल होगा तो कान कंट्रोल होंगे, सुनते हुए नहीं सुनते। हम चाहें तो किसी की ग्लानी सुने और चाहें तो न सुने।
सुनिए सुनी कहते वो भी झगड़ा झगड़ी होता है। रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में सब चारों तरफ शोरगुल हो रहा है और जिसको एकाग्र होके बैठना होगा रहना होगा वो रह सकता है। ऐसे तो नहीं है कोई जाने वाला है स्टेशन के शोरगुल को देख करके भूल गया अरे अब हम क्या करें। हेलो हाँ एक प्रश्न एक मिनट भाई ने शुरू कर दिया ना अभी। हाँ देवियों का पूजा रावण संप्रदाय है तो मैंने नहीं बोला बाबा ने मुरली में बोला। हाँ भारत माता का मान्यता है तो भारत में भारत माता का तो मान्यता है। भारत माता की मान्यता है लेकिन भारत माता की पूजा करना है और भारत माता को याद करना है ये नहीं बोला। याद एक को करना है पूजनीय एक को समझना है। हाँ जी गॉड फादर वो निराकार बिंदु को मान्यता देते हैं। हम निराकार बिंदु को मान्यता नहीं देते हम साकार में रहने वाले निराकारी स्टेज वाले को मान्यता देते हैं। अच्छा बाबा लोगों में जब जैसा एक था तब दादी की दिया रहा और लोगों का अमिताभ बच्चन इसको हाथ में ले लिया पता नहीं कैसे सब लोगों का सही हाथ था उसको हाथ में ले लिया मुसलमानी को कुछ ज्यादा उतना काम किया आपको कुछ उतना काम किया जब आप बच्चों को होगा कोई दादी ने दिया भाई लोग को दिया है बेटा हक होगा जब आप बच्चों को होगा। अच्छा बाबा अभी सबसे ज्यादा नेचर हाथ में तो है तो उसी टाइम में दादी की दिया था तब डॉक्टर का सारी सत्ता आपको बच्चे आपको हाथ में ले लिया है आपको गुना काम किया उसी टाइम में तब आप जब प्रस्तुत को होगा तब कोई दादी की दिया भाई लोग को कैसा फल होगा आप प्रत्यक्ष नहीं होगा बाप प्रत्यक्ष होगा। बाप जब प्रत्यक्ष होगा तो वो बाप बन करके प्रत्यक्ष होगा या अम्मा बन के प्रत्यक्ष होगा यही अंतर है। अम्मा को जो बच्चे होते हैं वो बाप के न होने पर दबा के रखते हैं। आज की दुनिया में क्या देखा जा रहा है माँ को बच्चे दबा लेते हैं कंट्रोल कर लेते हैं ये शूटिंग कहाँ हुई होगी। ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में बेसिक में ये शूटिंग हुई लेकिन एडवांस में तो बाप होता है या चला जाता है होता है कोई पहचान पाए न पहचान पाए वो अलग बात लेकिन बाप तो मौजूद रहेगा तो बाप के होते बच्चे अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। का पाठ चल रहा है राम के अंदर में अभी जो शिवशंकर का पाठ चल रहा है शिवशंकर भोलेनाथ बाप का जो पाठ चल रहा है तो ये दुनिया में स्थापित होगा लेकिन इसका अंतिम फैसला कहाँ होगी तीर्थ कहाँ कब जाता है तीर्थ माना क्या तीर माना किनारा और था माने स्थान। तीर माने किनारा कहो ठिकाना कहो एक ठिकाने लगने वाला स्थान तो दुनिया में बड़े से बड़ा तीर्थ कौन सा है माउंट आबू। तो ये प्रश्न पूछने की दरकार है आने वाला मैं सुप्रीम जज भी हूँ तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट बनेगा कहाँ नहीं बनेगा। अरे जो सारी दुनिया का बड़े से बड़ा कोर्ट होगा वो कहाँ होगा बाहर की दुनिया में होगा
केरवानी गवर्नमेंट का जहाँ से शासन चलता है वहाँ से होगा है। कहाँ जाएंगे उनकी ज्यादा चिंता हो रही है, अपनी चिंता नहीं है, अपने परिवार वालों की चिंता नहीं है, चिंता है कहीं दिल दिमाग लगा हुआ तो नहीं है। पड़ेगी सेंट्रल वालों को चिंता करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये लोग चिंता करके हाँ वो लोग देश में आ जाएंगे, वो लोग दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए कि नहीं, तो दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट हो गए होंगे वो दूसरे धर्मों में जाके जाएंगे गिरेंगे या पक्के सनातन धर्म में रहेंगे, वो कौन से संगठन में रहेंगे, अपने अपने धर्म में घुस जाएंगे। जब गंगा विष्णु के चरण से निकलकर ब्रह्मा को बुद्धि रूपी कमंडल से निकलकर जब गंगा विष्णु के चरण से निकलकर ब्रह्मा को बुद्धि रूपी कमंडल के से निकलकर शंकर का मस्तिष्क में समा जाए जिसका यादगार रूप में शंकर के मस्तिष्क में पन्ना रूप में दिखाया तो बाबा इसका अर्थ क्या है। अर्थ ये है कि जो रुद्रमाला की मणका बड़ा काम करके दिखाए, सेवा इतनी जास्ती करके दिखाए जितनी रुद्रमाला की किसी मणके ने ऐसी सेवा न की हो, तो जो सेवादारी बच्चा होता है तो उस बच्चे को बाप सर के ऊपर चढ़ा लेते। अरे है? अरे ज्ञान गंगाएं निकली है बाद में, यमुना निकलती है पहले और सरस्वती निकलती है बीच में, जिसका बाद का पाठ है वो बाद में ही बजावेगा ना। बाबा ने बोला है बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी, तो कौन सी नदी है जिसके किनारे सन्यासी जाकर के चौकड़ी मार के बैठते हैं, गंगा नदी। माना सन्यासी गंगा को अपनी अधिष्ठात्री मानते हैं, पतित पावनी मानते हैं, जब वो गंगा निकलेगी तो बड़े बड़े सात सन्यासी निकल पड़ेंगे और तुम्हारी विजय हो जाएगी। बाबा मानती है, भगत मानते हैं कि ज्ञानी मानते हैं, पतित पावनी भक्ति मार्ग वाले मानते हैं या ज्ञानी आत्माएं मानती हैं? है भक्ति मार्ग वाले मानते हैं। यहाँ भी जो देवियों के पुजारी होंगे वो गंगा को पतित पावनी मानने लग पड़ेंगे, लेकिन जो ज्ञानी होंगे वो गंगा को पतित पावनी मानेंगे या शिव बाबा को पतित पावनी पतित पावन मानेंगे? शिव बाबा को मानेंगे। शूटिंग तो सारी यहाँ हो रही है ना बाबा। 351 में नंबर बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए बताओ एडवांस फर्क कहा गया है। बीसीडी 351 में है
एक पॉइंट है एडवांस नरक है और एडवांस स्वर्ग है, इसका बारे में क्लियर नहीं हुआ। बताया ना कि देवियों की जब डूबी जा होती है तो नरक बन जाता है तब होती है डूबी जा, या स्वर्ग बन जाता है तब होती है डूबी जा। अरे उनको ही बोलने दो ना, है कब होती है? जब नरक बन जाता है, माने देवियां और देवियों के पुजारी जो भी पंडे पुजारी है वो जब नरक बनाए देते हैं दुनिया को, तब डूबी जा होती है, भगवान प्रत्यक्ष हो जाता है। वो चाहे बेसिक में हो और चाहे बड़े रूप में, सारे संसार में जगदम्बा जब राज्य करेगी, राज करेगा खालसा, तो वहां भी यही हाल होगा, डूबी जा होगी और भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक सच्चा और बाकी सब झूठे। अभी मुरली में भी क्या बताया, अभी मुरली में क्या बात बताई, किसकी मत पर चलना चाहिए? एक की मत पर चलना चाहिए, लेकिन होता क्या है, सारी दुनिया फिर भी किसकी मत पर चल पड़ती है, है? धर्म गुरुओं की मत पर चल पड़ती है। एक लाख आत्मा सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे, सूर्यवंश और चंद्रवंश के पक्के होंगे, ये उनकी उनका विशेषता होगी, अंतर होगा उनमें, सूर्यवंश से चंद्रवंश का छिलका होगा, और दूसरों में किसका, किस धर्म का छिलका होगा, दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ होगा। साढ़े चार लाख आत्माओं में से जो एक लाख आत्माएं हैं उनमें सूर्यवंश और चंद्रवंश का छिलका होगा, और बाकी में सब में दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ जाएगा। अरे शूटिंग कहाँ होती है? तो यहाँ शूटिंग होती है, यहीं शूटिंग करेंगे। जो साढ़े चार लाख है उनमें से साढ़े तीन लाख दूसरे धर्म और दूसरे धर्म पिताओं और उनके आधार मूर्तों को फॉलो करने की शूटिंग करते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं, उनके धर्म का छिलका चढ़ जाता है, सूर्यवंश और चंद्रवंश का छिलका नहीं होता है। सागर का पानी खारा और सागर का पानी मीठा है, तो सागर तो एक ही है, लेकिन कहीं खारा पानी और कहीं मीठा पानी। अभी बंबई में ही बता रहे हैं कि बंबई में सागर में एक स्थान ऐसा है जहाँ मीठा पानी हो गया, तो एक बात तो पूरी होने दो कि पूछना लगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ के मीलों के पहाड़ हैं, वहां से जो धाराएं निकलती है
उस बर्फ के पिघलने से जो धारा निकलेगी वो मीठे पानी की होगी या खारे पानी की होगी? वो मीठे पानी की धारा होती है। समुद्र के अंदर खारे पानी के बीच में मीठे पानी की धारा बह रही है। ऐसा ही है ये सारी दुनिया है, संसार सागर, सब खारी खारी बातें सुनाते हैं, दिल को तोड़ने वाली, और उन खारी बातों के बीच में एक ऐसी धारा भी निकलेगी, और एडवांस में भी ऐसी आत्माएं हैं जो संकल्पों की ऐसी धारा बहाती है कि मीठा ही मीठा बोलती है। लेकिन बाबा वो बोल रहे हैं कि वो भी मीठापन हो गया, इसलिए वो खराब अच्छा नहीं है, पान सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये मतलब नहीं है। वो तो जानते हैं कि बरसात बहुत हुई है अभी एक दो साल के अंदर बंबई में, तो शहर का जितना भी पानी है वो कहीं तो इकट्ठा होगा, और सागर में वहाँ ज्वार भाटा आता रहता है, तो ज्वार भाटा आने के कारण वो समुंदर का पानी एक तरफ उछाल मारता है, तो जो शहर का पानी है जो नदी नालों में से गुजर करके आता है वो तो गंदा ही होगा ना, तो वो वहाँ टकरा जाता है, ठहर जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि वो कोई स्वास्थ्य वर्धक होगा। आखिर माया की नगरी का पानी है, और बोला है कि खाली कमरे का जो राजा रहे है इसमें सुविधा ही बनते हैं, है? खाली कपड़े के राजा रानी के बारे में बताया ना। हाँ जी, तो जो खाली कपड़े का जो कपड़े का कपड़े के लिए जो बोला है बाबा ने, इसमें वो कपड़े सुविधा ही बनते हैं। सर्दी में खादी का कपड़ा गर्म होता है, गर्मी में ठंडी होती है, और गर्मी में खादी का कपड़ा ठंडा होता है, बरसात में भी धूप नहीं बनती, इसलिए सर्दी हुई सत्युपत्रेता, और गर्मी का सीजन हुआ द्वापर कलयुग, तो चारों युगों में सुखदाई है, और संगम युग है बरसात का मौसम, उसमें वो कपड़ा भारी हो जाता है और चिपक जाता है, क्या देह के साथ, देह अभिमानियों के साथ चिपक जाता है। जैसे दिखाते हैं कि शंकर से आके कौन चिपकते हैं, है? सांप बिच्छू टिंडन, उनसे उनको घबराहट नहीं होती। चंदन अभी से व्यापत नहीं लिपटे रहे तो भुजंग, चंदन की लकड़ी में सांप चिपते रहते हैं ठंडक लेने के लिए, उनके अंदर विषय विकारों की गर्मी भरी हुई है, लेकिन चंदन से चिपकने के बाद उनको ठंडक महसूस होती है। तो ऐसे ही शिव शंकर भोलेनाथ का पाठ है, है? बरसात में जो ज्ञान की बरसात है ना संगम युग, उसमें ज्ञान की बरसात में वो कपड़ा भारी हो जाता है 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के लिए। उसकी बनावट जो है ना इतनी कास्टली पड़ जाती है, इतना पानी ज्यादा सोखता है, और कपड़े इतना पानी नहीं सोखते, और वो ज्ञान जल को जास्ती सोख लेता है, तो दुनिया वालों के लिए भारी पड़ जाता है।
अगर सभी एक जैसा पानी सोखे, सभी शरीर रूपी वस्त्र एक जैसा पानी सोखे तो बारी पड़ने की बात रहती नहीं। मनुआ घबरा रहा होगा। अरे कल संगम युग पूरा होगा, शिव बाबा ने तो आकर के मुसीबत कर दी, जल्दी से भागे, कब भागेगा, विनाश कब होगा, होगा कि नहीं होगा, तो मनुआ घबरा रहा है ना। तो बाबा आफत देते हैं, मनुआ धीरज धर, अगर धैर्य धारण करेगा तो तेरे सुख के दिन आवेंगे। हाँ जी।